ये चमक ये दमक भगवान महाकालेश्वर के दरबार में दीपावली की ये रौनक। आज महाकाल मंदिर में दिवाली का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई है, जिसे देखने के लिए देश भर के श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। मिठाइयों और फूलों से दरबार सज गया है। इस बीच देश में सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में दीपावली मनाई गई। ढोल ताशों मंजीरे शंख से मानो पूरा उज्जैन झूम उठा हो। साथ ही फुलझड़ी से बाबा महाकाल की भव्य आरती की गई। भगवान राजाधिराज महाकालेश्वर वंतिका के राजा हैं और यहाँ जो वर्ष भर की परंपरा है भगवान की, उसी परंपरा के अंतर्गत आज जो दीप महोत्सव का दीपावली पर्व जो मनता है वो रूप चौदस का पर्व जो होता है तो आज भस्मा आरती में रूप चौदस पर्व मनाया गया है। भगवान को दिव्य पंचामृत पूजन सभी व्यंजनों से भगवान का पंचामृत चढ़ाया गया, सभी प्रकार के रसों का फल चढ़ाया गया है, इत्र और सुगंधित केशरों से भगवान का स्नान किया है और विशेष तौर पे आज भगवान को उपटन लगाकर और भगवान का रूप निखारा गया है। ये जो उपटन लगाने की परंपरा है पुजारी परिवार की महिला द्वारा संपन्न की जाती है। हमारे परिवार की महिलाओं ने आज भगवान को रूप निकाला उपटन लगा के और फिर कपूर आरती भी महिलाओं ने की है। ये वर्ष में एक ही बार होता है ये पर्व और भगवान का अन्नकूट भोग जो नया अन्न आता है उसको कूट के जिसको भगवान का भोग बनाया जाता है उसे अन्नकूट कहा जाता है। ये अन्नकूट पर्व है और अन्नकूट में कई प्रकार के व्यंजन बना के भगवान को भोग लगाया गया और विशेष तौर पे भगवान की दिव्य भस्मा आरती संपन्न की है और श्रृंगार भी भगवान का दिव्य हुआ। राजाशाही ठाट से भगवान का श्रृंगार का दर्शन भक्तों ने किया है। भक्त दर्शन करके बड़े ही अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ये वर्षों से परंपरा चली आ रही है। आज भगवान का रूप चौदस से भगवान का रूप निखारा जाता है और ये कई द्रव्य से सुगंधित द्रव्य से उपटन लगाया जाता है। मावा केसर और किसी और सब प्रकार से इसमें सुगंधित चीजें मिलाई जाती है, उससे भगवान को आज सौभाग्यवती स्त्रियां उपटन लगाती है और आज ये हम पुजारी महिलाओं को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये हम घर पे ही उपटन बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं। इतना सुंदर यहाँ भव्य उत्सव किया, दीप उत्सव के साथ साथ यहाँ छप्पन भोग बाबा को अर्पित किया है और सबसे पहले दिवाली बाबा के दरबार में मनाई जाती है और आज बहुत ही सुंदर दीप उत्सव यहाँ हुआ है और बहुत ही मंगल कामना आज उज्जैन वासियों के लिए यहाँ बाबा के लिए की गई है।